मैंने अपने मन में ना एक चीज सोची है, हाँ अमृतसर जाके मैं इस बार वो काम करने लगा हूं जो मेरा बचपन से ख्वाब था। क्या एक सेकंड, मैं कैमरे में देखता हूँ साक्षी कितनी खूबसूरत लग रही है, और रियल में देखता हूँ तो इतनी नहीं लगती। साक्षी आज के बाद मैं तुझे कैमरे में देखा करूंगा यार। आप दोनों जगह नहीं लग रहे। रब्बा, 4 बजने चार लगे। इस वक्त 4 बजे हैं, बाहर अंधेरा है। 1 मिनट फ्लाइट जगानी है यार थोड़ी सी। शिखाना पता नहीं कुछ बताने जा रही थी, मैंने कहा चलो हमारे दर्शकों को भी पता लग। हुए हुए दिन चढ़ा दिया यार तूने, एक ही दोपहर का लाइट टाइम ऑन है। किया अभी मैंने। तो अभी शिखा कुछ बताने जा रही थी, कहती मणि बड़ा बोला वाला है, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ क्या बोला पढ़ना है। अयो तो मैंने कहा चलो हमारे दर्शक भी सुन ले। हाँ बोलो। हाँ, मुझे लगता है कि मनी बड़ा तेज है, पर कुछ चीजों में मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार, बेचारा बड़ा भूला है, बड़ा अभी पीछे है दुनिया से। पीछे दुनिया से गया पीछे नहीं, मतलब दुनिया की चालाकियों से पीछे है। जैसे। जैसे कि मेरे को कई बार जब मिलेगा शिखा, तुम्हारे भाई की वीडियो आज वायरल हो गई है। तो मैं ना सच में, मतलब सीरियस होके, और इसको भी पता है, ठीक है, व्यूज देखे मेरे, मैं क्या, 1800 व्यू आया मेरे को इंस्टाग्राम की वीडियो पे, 1800, और शेयर देख, 3 शेयर भी हो गई है। तो मतलब इसने ऐसा बोला सीरियस होकर, मैं आगे से, मैं क्या, वाह क्या बात है। अंदर कमरे में जाके मैं हंस हंस के पागल हुई हूँ। मनी, मैं नहीं मानती आपने सीरियसली बोला होगा। इसको बोला लगा था आपने वो? मैं नहीं एरी यार, कसम, एरी कसम, मैं नहीं। हाँ, वो सीरियस हो गया थोड़ा तेनू वो मजाक करता ना। क्या हाँ वर्ड होता है ना, दूसरे तरीके से कि बोलते मैं वैसे ही हैं। आना तेरे को हाँ, शिखा तेरे नहीं प्राण तू के आया लिए नहीं है ऐसे पता ही, नहीं मतलब मैं मेरे यहाँ पे करता याद है। हाँ। जानबूझ के करते हैं वैसे मैं मेरा जानबूझ हाथ के है, हो करता सकता हूँ। जानबूझ के तो किया एक्चुअल में क्या हो। है, मैंने इसका मतलब तुझे पागल बना दिया, मैं बहुत तेज हूँ। तेज नहीं है तो बड़ा अच्छा एक्टर है, इसका मतलब तुमने एक्टिंग की नहीं हाँ फिर कैसा। मैं बोला ना हुआ ना, बोला ना दुनिया से बोला, पीछे ना हुआ ना, फिर तो और चला मेरे हुआ। कम व्यूज आए इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, बेइज्जती हो रही है घर पे। मेरी खुद बड़ी हो रही है, मेरे को तो आते ही नहीं व्यूज। उसको तो नजायज भी आते रहते हैं यार। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे को नजायज हो रही है। नहीं, मैंने इनको यही बोला कि आप वीडियोस बनाया करो, बल्कि इनको ज्यादा व्यूज आते हैं मेरी से, एक एक बार छोटी बनाते ही। सी बात है, बिग बॉस हम देखते हैं रात को, एक मतलब कोई बात, एक टॉपिक है बिग बॉस का, नाम नहीं लेंगे उनका। मेरे मुंह के आगे हाथ मत रखो। बस यही क्लेश वहां पड़ रहा है बिग बॉस में। और आप मुझे कवर करने की कोशिश कर रहे मैं हो। बिग बॉस में और दूसरे बंदे का साथ देता हूँ, ये बोलती नहीं वो दूसरा बंदा सही है। तो अब वो अंदाजा लगाए कि मनी किसका साथ दे रहा है। हाँ तो वो क्या है, उनका झगड़ा पता नहीं बाहर आके ठीक हो जाए ना, हमारा घर बैठे ना हो जाए हो जाएगा यार। इनका, मुझे लग रहा है कि तो जल्दी ये हो बिग जाएगा बॉस नीरा झगड़ा क्लेश रहा गा रहे। तो बहुत ज्यादा। तो इसका ये सार ये है कि आप हमारे साथ बैठ के ना देखा करो। और मैंने तो ये भी सोच लिया, अगर मैं लाइफ में कभी बिग बॉस में गया, आप दोनों को साथ नहीं लेके जाना, चाहे मुझे जितने अब मर्जी हम पैसे ये दे। डिसाइड कर लिए, हमने यार आपको भी नहीं भेजना। हाँ जी, सच्ची, पहले मुझे लगता था बिग बॉस में जाना बड़ा आसान है, मतलब जाना आसान नहीं है, मतलब कि वहां रहना आसान है। रहना आसान है। पर अब मुझे लगना शुरू हो गया है कि बिग बॉस में मतलब वो टाइम निकालना, वो चीजें बैठना, वो मनी, सब। मोबाइल नहीं है आपके पास, टीवी नहीं है, कोई साधन नहीं, जा नहीं मनी सकते तो पूरा बाहर। दिन फोन नहीं छोड़ते, तो मनी ने वहां कैसे रहना है, और मुश्किल वहां है। पर ऐसे बंदा वैसे ही मैंने नहीं बन बिग जाता। बॉस को भी व्लॉगिंग बना देनी है, हाँ, रोज व्लॉग उनके कैमरे के फिर हाथ वो ऊपर रखे हमने एक ना, वीडियो बनाई तो थी गुड ना, मॉर्निंग हे गाइस दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब हाँ, चैनल। नहीं वैसे हमने वो वीडियो बनाई थी ना, यहाँ पे जब खाली था घर, इमेजिनेशन, तब आपके हाथ में फोन नहीं होना, लेकिन इमेजिनेशन होगी कि फोन ही यहाँ व्लॉग बन रहा हाँ है, इधर हो रहा है और सही उधर हो बात रहा है, है, सब सही बात। वैसे ऐसे करना चाहिए ना करते जो हैं वहां पे चलो। है। नहीं नहीं आइडिया नहीं देना, ये जब मैं बिग बॉस में जाऊंगा तब ऐसा करूंगा। तुम्हारा आइडिया सारे सुन रहे हैं। तो आपने जाना है बिग बॉस में जो देख रहे हैं? नहीं, अगर मुझे ज्यादा पैसे मिले फिर तो मैं जाऊंगा, नहीं, जो हमारे व्यूअर्स हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं क्योंकि मिलने तुमको, शिखा क्या 1800 रुपया भी नहीं देंगे मुझे पर वो डे। कहेंगे तुम आप दो उल्टा, आप दो, मैं यही बोलने वाली थी। अगर शिखा मान ले बिग बॉस तुझे कॉल आता है, वाओ, कहते मैम आपको हम बिग बॉस में बुलाना चाहते हैं, पर उसके लिए क्या है, मेन जो चैनल की रिक्वायरमेंट है वो आपका ब्रदर है, तो आप अपने ब्रदर को मना लो तो आपको हम लेके जा सकते हैं। मना लो, मतलब कि क्या है कि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी? नहीं हाँ नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं नहीं जाती, अंदर नहीं जाना, तुम्हें जो मेरा टच पापा ही लेके जाना, बस भेजेंगे। टच ही लेके जाना, वहां छोड़ के मुझे आ जाना, मैं कहने लगी अंदर नहीं थी अगर जाना। दोनों को भेजना, जो पापा ने इतनी इज्जत बनाई है ना, वो सारी दोनों ने खत्म खराब कर ली। मैंने आप दोनों को भी नहीं भेजना। ना ना, मैंने तो जाना ही नहीं।
मैं सच्ची कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बिग बॉस में जाके मतलब कोई झगड़ा हो जाए या कोई ऐसी बात निकल जाए, सॉरी लाइफ की रिस्पेक्ट खत्म हो जानी है ना, कि कोई बात ऐसी निकले लोगों ने कहना है यार सुदेश लड़ तो कितना अच्छा यार, उसके बच्चे कितने कमीने हैं यार, यहाँ तो एडिटिंग अपने हाथ में होती है, सही बात नहीं तो यहाँ कमीना, वहाँ पर ये सिस्टम है, हमारा क्या सीन है हम सबका, जैसे खास करके हम अपना ही लगाते हैं, तू अपना ही लगा मेरा नहीं, नहीं नहीं तुम्हारा ही, क्योंकि ब्लॉगिंग मैं तो ज्यादा नहीं करती, आप ज्यादा करती हो ना, तो क्या होता है कि कई बार कोई गलत बात निकल भी जाती है, मैंने मेरा मुंह लग रहा ये गलत बात, ये कई बार गलत बात निकल जाती है, तो गलत बातों को अच्छी बातें लगाते हैं, मतलब गलत बात ये नहीं कि गलत लैंग्वेज, मतलब ऐसे की नहीं ब्लॉग से अच्छा नहीं लगता, निकल जाती है चीजें, ठीक है, पर वहाँ अच्छी बातें कट करके ना गलत बातें दिखाते हैं, मैंने नहीं नहीं मेरी बात का रिस्पॉन्स दे पहले, अच्छी बातों को कट करके गलत बात थोड़ी सी दिखाई जाती है, तो उससे बंदे की ना जो छवि वो सारी खराब हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसीलिए ये है कि या तो नहीं, अच्छे से रहो, ऐसा है कि तू बिग बॉस में चली जा, पर एक शर्त रखो उनको कि जो बिग बॉस का एपिसोड होगा वो एडिट मेरा भाई करेगा, मैं सीन सारे सीन ही काट वाट के तेरे, फिर तो मुझे लगता है उनको भी व्यूज नहीं होने, मुझे लगता है अभी 4:30 बज गए हैं, अभी 2 घंटे तक हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठना भी है, सॉरी दोपहर को उठना और भी है, हंसो मनी की इस बात पे मनी ने हंसी डाली है, ठीक है हंसो, नहीं हंसी नहीं आई वो देखिए, पीछे बैकग्राउंड पे हंसी की आवाजें आ रही है अभी तक अब ये वाला सीन लगाएंगे हम चलो दोस्तों मिलते हैं हम, गुड नाइट, मैं भी जा रही हूं अंदर, चलो ठीक है सुबह मिलते हैं, गुड नाइट, शिखा एकदम सीरियस मोड में चली जाती है यार, बनी बेइज्जती करा दूंगा, इस तुझे क्या हुआ यार, कंगारू बनी है, उई कंगारू, उई एक सेकंड मैं कैमरे में देखता हूँ साक्षी कितनी खूबसूरत लग रही है, और रियल में देखता हूँ तो इतनी नहीं लगती, साक्षी आज के बाद मैं तुझे कैमरे में देखा करूंगा यार, आप दोनों जगह नहीं लग रहे अगर ये ब्लॉग साक्षी की मम्मा देख रहे हैं तो सोचो यार आपने क्या क्या के भेजा था, तो और क्या निकले, कि मेरी बेटी की इंसल्ट हो रही है नहीं तेरी मम्मा नहीं कहते, साक्षी की मम्मा को जब मैंने बोला था ना कि साक्षी की मम्मा ने बोला कि मेरी बेटी से शादी कर लो यार 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 तो मैंने बोला था, मैं क्या आपकी बेटी गुस्सा तो नहीं करती, मुंह तो नहीं फुलाती, कहते नहीं इससे जिससे फुलका नहीं फूलता उससे मुंह का फूलना, साक्षी भी हंसी नहीं रहे ना, हस्बैंड इतना सहारा हंसी नहीं रहे, बता दो ना कहाँ हंसना है, सॉरी जी का एक मतलब मजाक वाली बात नहीं है, हंसना किसी ने नहीं है, नहीं जो मेरी हंसी की बात पे नहीं हंसना तो इस पे भी नहीं हंसना, मैंने अपने मन में एक चीज सोची है, अमृतसर जाके मैं इस बार वो काम करने लगा हूँ जो मेरा बचपन से ख्वाब था, क्या साक्षी को पता होगा, बचपन से ख्वाब था, मैं वो काम करना, मेरे पता नहीं अभी मन में है, बैठे बैठे ना मैं सोच रहा था, कुश्ती से तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना अगर अमृतसर में कोई मेरी ये वीडियो देख रहा था, अमृतसर में कौन सा अखाड़ा बेस्ट, यार कच्छा पहना देते थे यार, बड़ी शर्म आती थी मुझे, मैं गया था, नहीं मेरे दिमाग में बड़ा कुछ, मैंने उस्ताद जी को पहले जाकर मिलना, मैंने कहा कुश्ती करवानी तो पेंट में करवाओ, नहीं तो मैंने दंगल करना है, तो दोस्तों मुझे अमृतसर वाले कश्मीर वाली बात, मेरे को ना मनी ना कुश्ती करता हुआ भी नजर आने लगा है, मार खा रहे, मार खाएगा नहीं ना, क्योंकि पहले पंच में ही हुई, कसम वाली बात है, अगर एक सेकंड शिखा तू कहती नहीं है कि मणि तू बड़े अच्छे पंच मारता है सब लोग लाइक करते हैं तो मैं कुश्ती में पंच कैसे मारूंगा, वो सोच, सही बात है, नहीं मतलब जरूरी लड़ाई करनी है वो रस्सा चढ़ना है, रस्सा चढ़ना मैंने 10 मिनट लगा दिया, रहने दे तू मैनू, नहीं 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 रस्सा मैंने चढ़ना 10 मिनट लगा गया, उतरना 1 सेकंड में ही सीधा ही नीचे जमीन पर, नहीं अच्छा तेन इना यकीन है तू इन ऊपर चल जाएगा रस्ते,
ऐसे लोग पहले भी मेरी हिम्मत तोड़ी गई थी जो घर वाले हिम्मत तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों चलो अब सीधा मैं मिलूंगा आपको अमृतसर जाके अखाड़े में। इसने पिछली बार भी सोचा था कि मैं अखाड़े में मिलूंगा, हमें हॉस्पिटल में मिला। अखाड़े में मिला।